T20 के बाद अब वनडे की बारी है। कर ली हमने पूरी तैयारी है। आ गए हैं विराट, आ गए हैं रोहित और आ गए हैं केएल राहुल। बिग क्वेश्चन कि कौन खेलेगा आज का मैच, क्या होगी आज की प्लेइंग 11? क्या ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में देखेंगे या केएल राहुल देखेंगे? मींस कौन विकेट कीपिंग करेगा, केएल करेंगे या पंत करेंगे? क्या होगी पिच रिपोर्ट? सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं और पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। पिच की बात करें तो बेहद स्लो पिच है ये, और यहाँ पे स्पिनर्स का बोलबाला होता है, स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिलती है। पेसर्स की बात की जाए तो स्टार्टिंग में पेसर्स अपना जलवा दिखाते हैं और विकेट्स लेते हैं, बट मोर लाइकली यहाँ पे स्पिनर्स के लिए बोलबाला होता है और स्पिनर्स अच्छे खासे विकेट लेते हैं। अब प्रेमदासा स्टेडियम की बात करें नंबर ऑफ मैचेस की तो 164 खेले गए हैं और बैटिंग फर्स्ट करने वाली 88 टाइम्स जीती है एंड बैटिंग सेकंड करने वाली वो 65 टाइम्स जीती है। तो यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ज़्यादा मैचेस जीतती है। अब एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें तो 231 है और सेकंड इनिंग की बात करें तो 189 है। अब ये क्वेश्चन होता है कि टॉस जीत के क्या करना चाहिए, बैटिंग करना चाहिए या फील्डिंग करना चाहिए? तो मैं कहूँगा टॉस जीत के यहाँ पे बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि सेकंड इनिंग में पिच स्लो होगी और बैट पे बॉल अच्छे से आएगी नहीं, स्पिनर्स ज़्यादा विकेट लेते हुए आपको दिखेंगे। तो टॉस जीते और 260 तक लेके जाए, टोटल 260 और 265 प्लस, तो अच्छा टोटल होगा ये और आप आराम से मैच जीत सकते हैं। तो अब क्या होने वाली है प्लेइंग 11 आज के मैच के लिए टीम इंडिया की? तो रोहित शर्मा कप्तान वापस आ चुके हैं, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, वो ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ में। विराट कोहली नंबर 3 पे, श्रेयस अय्यर भी वापस आ चुके हैं टीम में। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऋषभ पंत या केएल राहुल? तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों खेल जाएं, लेकिन दोनों के खेलने के चांसेस कम हैं, दोनों में से एक ही खेलेंगे, तो केएल राहुल नंबर 5 पे। नंबर 6 पे बात करें तो ऋषभ पंत या रियान पराग में से कोई एक खेलेगा, और फिर नंबर 7 पे अक्षर पटेल आपको दिखेंगे, नंबर 8 पे कुलदीप यादव, नंबर 9 पे हर्षित राणा, नंबर 10 पे मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पे बात करें तो अर्शदीप सिंह आपको दिखेंगे। तो ये होने वाली टीम इंडिया की प्लेइंग 11। हमने आपको बता दिया पिच रिपोर्ट, हमने आपको बता दिया प्लेइंग 11, तो यही टीम आपको खेलते हुए दिखेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।